front side view of G49004. व्यूअर्स, आज डेट है 19 अगस्त 2024, टाइम हो गया सुबह के 8:20, तो 1:09 आपको कैप्चर करने के लिए मैं अभी आ गया हूँ। तो तीन दिन तो लगातार बारिश होती रही है, मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन बारिश आखिरकार अब जो ना एंड हुई है, तो गर्मी का सीज़न फिर आ गया, तो फिर अब गर्मी से उबल रहे हैं यानी 37-38 डिग्री पर टेम्परेचर भी पहुँच गए। तो महमूदकोट पहुंची हुई है 1:09, तकरीबन 8:45 तक सनामा पहुंचेगी। तो आज इसके साथ वेरी स्पेशल लोकोमोटिव आ रहा है, यानी वेरी स्पेशल लोकोमोटिव जो कि तकरीबन 2 साल सीडल वर्कशॉप में बनने के बाद अब डिस्पैच हुआ है और तकरीबन 25-30 दिन कुंदिया साइड पर वर्किंग करता रहा है। आज फिर इसको जो है ना 130 डाउन का ट्रिप रात मिला था, आज 1:09 अब वर्क कर रहा है मुल्तान से कुंदिया के लिए। तो 2 इंजन वैसे रिफर्बिश्ड हुए थे जो इकट्ठे आए हैं, यानी कि एक दूसरे के आगे पीछे, यानी अगर 20 तारीख को 76 है तो 21 तारीख को 71 है, दोनों इकट्ठे डिस्पैच हुए हैं। इनमें से आज 1:09 आपके साथ लोकोमोटिव वर्क कर रहा है, HBU 2076, ठीक है, न्यूली रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव। तो ट्रेन का इंतज़ार है अब बस कि इसकी 76 जो न्यू बन के है, इसकी रिफर्बिश्ड वाली शाइनिंग देखें कि क्या इसकी शाइनिंग है, यानी कि न्यू इंजन है वाकई में या फिर बस इसका नाम है। तो ट्रेन का इंतज़ार है, बस ट्रेन आए तो फिर देखें। अभी फिर वही पुरानी जगह पर पहुंच गया हूँ, अक्सर आपको पता है जब इधर से वीडियो बना रहा होता हूँ तो एक आध नट अगर खुला होता है तो मैं इसको जो ना सेट ना करूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। खैर, अगर हमारे हाथ में सेट हो सकता है तो फिर क्या बात है, कोई बात नहीं है, सेट कर लेते हैं। तो रेलवे के वर्कर्स भी मेरे घर में इनको सेट कर करके थक गए हैं, क्योंकि पुराना ट्रैक है, अंग्रेज़ों के दौर का ट्रैक बने हुए हैं, तो इन ये बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांग रहे हैं, जो कि पाकिस्तान रेलवे इनको मेंटेनेंस ट्रैक को नहीं दे रही, तो फिर इन्होंने हर दूसरे दिन लूज़ ही होना है एक गाड़ी के गुजरने के बाद जी। तो फिर स्टार्ट करते हैं, ये तो वैसे भी सेट नहीं होता हमेशा मुझसे, ठीक है, क्योंकि ये कोई जो औज़ार होते हैं ना उसके साथ ही सेट होगा, ठीक है। इसके बाद ये है दूसरा, ये भी सेट नहीं होता, ठीक है, मैं डेली अपने हाथ भी ख़राब करता हूँ, ये भी नहीं होता, ये वाला नट हमेशा मैं सेट कर देता हूँ, आपको पता है। तो फिर करते हैं इसको सेट, ठीक है, ये अब रेलवे ट्रैक को कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, ठीक है, ये देखें सारा तो खुला हुआ है, ये कुछ सपोर्ट दे रहे हैं, यानी इस चीज़ को इन्होंने सेट किया हुआ है, ये वाली चीज़ जो है, लेकिन ये वाला जो ट्रैक है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये जो नट लगा हुआ है ना इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक ये ऐसे खुला रहे। तो कर रहे हैं फिर इसको सेट, ये बिल्कुल सेट, आज मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया, मैंने कस के बिल्कुल इसको जो है ना सेट किया है, देखते हैं फिर ये शाम तक क्या इसकी हालत होती है, ये मेरे हाथ भी ख़राब हो गए हैं। तो खैर, हाथों की खैर है, कोई बात नहीं है। तो अच्छा, बता रहा था आपको 76 के बारे में, अब ये रिफर्बिश इंजन जो आज 1:09 77 76, तो पहले दिन ही कुंदिया से मुल्तान आने में इसने एक जो है ना ट्रबल दे दी है, इसके ल्यूबैल का मसला है, ल्यूबैल इसका लो है और ग्राउंड ट्रबल भी है, तो जिसकी वजह से फिर आज 1:09 पे जो है ना स्टाफ इसको अटेंड कर रहा है, यानी कि 1:09 पे असिस्टेंट और ड्राइवर के अलावा इंजन में और भी मैकेनिकल स्टाफ के लोग हैं पड़े, यानी कि जो इंजन की किसी भी यानी कि फॉल्ट की सूरत में उसको सेट करेंगे, क्योंकि इंजन ने फॉल्ट दिए हुए हैं 2 पहले ही, तो इसी वजह से ड्राइवर ने फिर मेरे ख्याल में स्टाफ डिमांड किया होगा कि पावर रास्ते में फेल ना हो जाए, तो इसी वजह से फिर अब जो है ना स्टाफ इसको अटेंड कर रहा है 1:09 को 76 को। तो देखते हैं कि ये इंजन अब लिंक पर चलता है या फिर एक ही दिन का होता है, जिस तरह अब पहले दिन ही इसने ट्रबल दे दी है, तो पहले दिन ही इसको स्टाफ जो है अटेंड कर रहा है। वैसे तो ये माड़ी इंडस साइड पर चल रहा था, लेकिन मुल्तान से कुंदिया से मुल्तान के लिए आते हुए जो भी रिफर्बिश इंजन आता है ये ट्रबल दे देता है, जैसे फर्स्ट टाइम 43 दहरा और कोडू के दरमियान फेल हुआ था रिफर्बिश था, इसके बाद 80-60 था वो भी रिफर्बिश था, तो वो भी फेल हुआ है बिहल और करोड़ के दरमियान, अब तीसरा इंजन रिफर्बिश 76 को भेजा है तो उसने भी पहले दिन आते हुए जो है ना ट्रबल दे दिया, ग्राउंड ट्रबल और लो ल्यूबैल ट्रबल। तो अब 71 की बारी है,
कि वो क्या करता है, 71 जब आता है वो क्या ट्रबल देता है, मुकम्मल फेल होता है या क्या होता है। तो तीनों इंजन जो रिफर्बिश्ड हुए हैं, तीनों ने जो है ना कुंदिया सेक्शन में आते ही, कुंदिया से मुल्तान सेक्शन में आते ही अपनी प्रॉब्लम जो है ना शो कराना शुरू कर दिए। तो खैर देखते हैं 129 अप आज फिर आपको न्यूली रिफर्बिश्ड इंजन दिखाते हैं, और मैं खुद भी देखता हूँ कि क्या इसकी शाइनिंग है। आखिर 2 साल सीडल वर्कशॉप में जो रहा है, क्योंकि पेंट कैसा किया हुआ है, विसल कैसा है। तो रेडी रहें फिर HP 20 80 76 के साथ 129 अप आज देखने के लिए। अब थल एक्सप्रेस अब 80 76 के साथ सनावा लेवल का सिंकरी पहुँच रही है। तो आज इसको मैं इस जगह से कैप्चर कर रहा हूँ, और ये सारा जो ना ये बारिश का पानी खड़ा है, तो थोड़ा अच्छा सीन आएगा इधर से, मुझे तो ये लगता है। तो इस वजह से आज 129 की वीडियो मैं इसी जगह से कैप्चर कर रहा हूँ। तो न्यूली रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव 76 को आपको जो है ना दूर से दिखाता हूँ, इसकी शाइनिंग देखेंगे कि वाकई में ये न्यू जो बन के आया है, तो वाकई में इसकी रिफर्बिश्ड वाली शाइनिंग है भी सही या फिर गुजारा है। तो ट्रेन बस करीब पहुँच रही है, पिछले फाटक पर आ गई है, देखते हैं फिर 76 न्यूली रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव के साथ 129 अब सनावा से पास होते हुए। Sanawan की करंट स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, 55 की स्पीड से ट्रेन बढ़ रही है सनावा की तरफ, वही यानी कि कॉशन स्पीड। सामने लाइट्स नज़र आ रही है ना आपको, इधर वैसे सारा गन तो पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा फोकस है सिर्फ ट्रेन की तरफ, यानी हम तो सिर्फ ट्रेन ही देख रहे हैं ना, उसको कैप्चर कर रहे हैं। थोड़ा सीन इधर से अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने सोचा आज इधर से ही वीडियो बनाते हैं। ये अब पिछला फाटक क्रॉस कर रही है ट्रेन, देखते हैं फिर। अब इंतज़ार की घड़ियां जो हैं वो ख़त्म होने लगी हैं, यानी कि 76 को आज देख लेंगे कि ये रिफर पे जो होकर आया है तो इसकी शाइनिंग क्या है, यानी कि इंजन वाकई में न्यू है या बस फिर गुजारा किया हुआ है। आज कोचेज भी 129 के साथ मेरे ख्याल में 10 लगी हुई हैं पूरी, मुझे तो 10 से भी ज़्यादा लग रही हैं, और इंजन की हालत भी कोई ख़ास अच्छी नहीं लग रही, पुराना लग रहा है वैसे दूर से। तो पहले आते ही नहीं, समोके एक्शन कैच हो गया इसका, धुआं ज़्यादा नहीं छोड़ता मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो